स्वागत है दोस्तों आपका। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान में बाड़मेर जिले में बड़ी रिफाइनरी का शुभारंभ कर दिया गया है। आज ही नरेंद्र मोदी के हाथों इसका शुभारंभ किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया। बाड़मेर के पंचपदरा में बनने वाली इस रिफाइनरी की कुल लागत 43,129 करोड़ रुपए है, जिसके बन जाने के बाद राजस्थान को हर साल 34,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। राजस्थान में बनने वाली यह ऑयल रिफाइनरी देश की सबसे आधुनिक ऑयल रिफाइनरी होगी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों को भी रोज़गार मिल सकेगा, जो कि काफ़ी फायदे की बात है। राजस्थान में ही राजस्थान के जो लोग हैं और उन्हें गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में ही उन्हें रोज़गार प्राप्त हो पाएगा। राजस्थान रिफाइनरी में काम की शुरुआत करने के बाद पीएम ने यह विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान मोदी ने कहा, राजस्थान के तमाम नेताओं को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान पीएम जसवंत सिंह भैंसिया शेखावत समेत शीर्ष राजनेताओं का जिक्र किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जल्द स्वस्थ हो, जिसके उनके अनुभव का लाभ हम सबको मिल सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ योजनाओं के पत्थर जड़ देने के काम को पूरा नहीं होता, काम पूरा कराने के लिए शुरू करना भी जरूरी है, और आज वह काम शुरू हुआ है। रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जब राजस्थान में संगठन के काम से या पड़ोसी राज्य को सीएम रहते हुए आता था, तो मुझे यहाँ के लोगों को सुनने को मिलता था कि कांग्रेस और अकाल का जुड़वा रिश्ता है। इस दौरान लोग मुझसे कहते थे कि जहाँ कांग्रेस है वहाँ अकाल भी होता है। पीएम ने वहाँ पर कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद 40 साल पहले ही वन रैंक पेंशन की मांग की जा रही थी। इस बीच मैंने रेवाड़ी की रैली यात्रा में यह वादा किया कि बीजेपी की सरकार आई तो सभी पात्र लोगों को वन रैंक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे घबराई कांग्रेस ने अपने अंतिम बजट में सिर्फ घोषणा के नाम पर 500 करोड़ की राशि आवंटित कर दी, लेकिन इसे किसी को नहीं दिया। इसके लिए बीजेपी की सरकार ने आने के बाद मैंने अधिकारियों से काम शुरू कराया, तो पता चला कि वह योजनाओं के बजट में आवंटित होने के बावजूद कागज पर इसके नाम कुछ नहीं था, फिर भी बीजेपी सरकार ने 1.5 साल काम करने के बाद इसे पूरा किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में बाड़मेर जिले में यह रिफाइनरी शुरू हो रही है, तो इससे राजस्थान को कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।